अगर आपके पास कोई सा भी स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो, कोई सा भी फ़ोन है तो उसमें अपडेट ज़रूर आते होंगे। और अगर आपको नहीं पता कि एक फ़ोन को अपडेट कैसे करते हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में दो सवाल हैं, पहला कि अगर आपको एक अपना फ़ोन अपडेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M14 इस फ़ोन को मैं दोबारा से, यानी अगला जो अपडेट आ चुका है, शायद तीसरा या चौथा अपडेट है आ चुका है और इसको अपडेट करने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेजर बदलाव हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर आप एक नया फ़ोन अपडेट करना चाहते हैं या पुराना फ़ोन अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखो, आपको फ़ोन अपडेट करने के लिए दो तरीकों का यूज करना पड़ेगा, चाहे आप इससे कर लो चाहे आप दूसरे से। सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन हो सकता है आ गया हो और यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपडेट योर फ़ोन, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेनी है, सेटिंग ढूंढ लेनी है। जैसे कि अभी मेरे फ़ोन में यहाँ पर ये सेटिंग है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट, और इस पर आपको क्लिक करना है। और अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का छोटा सा एक निशान लगा हुआ है और ये बता रहा है कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से भी डायरेक्ट इस पेज पर आ गए और जहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वहाँ से भी हम इसी पेज पर आएंगे। तो ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M14 और इस फ़ोन का ये शायद चौथा या पाँचवा अपडेट है और इसके बाद पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। UI 6.1 का इसमें अपडेट है, एंड्रॉयड वर्जन 14 है और इसके सॉफ्टवेयर का वर्जन ये है। साइज इसका 250 MB का है आसपास और सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अगस्त 2024 का है। सो अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। चलिए डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है सॉफ्टवेयर की और वाईफाई मेरा कनेक्टेड है, हाई स्पीड है, तो देखिए ऑलमोस्ट ये डाउनलोड हो चुका है, 50% पहुँच गया है। वेट कर लेते हैं और ये वेट करने का टाइम नहीं रहेगा क्योंकि देखिए 70% 80% पहुँच चुका है और उसके बाद ये देखिए 100% पहुँच चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो इसका सॉफ्टवेयर का अपडेट है इसे इंस्टॉल पर क्लिक करना पड़ेगा। शेड्यूल इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हो, उसके लिए आप बाद में इंस्टॉल करोगे उसके लिए होता है। और दूसरा जो है इंस्टॉल नाउ, इस पर है कि मैं अभी इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो हमें इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने कर दिया, देखिए एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट लिखा हुआ नीचे आ गया और फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई है। तो फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, पूरा अपडेट हो चुका है फ़ोन में, जो जो बदलाव होने वाले होंगे सब हो गए होंगे। ये यहाँ पर देखिए लिख के आ गया फिनिशिंग सिस्टम अपडेशन, मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंस्टॉल हो चुका है, अपडेट हो चुका है, ये देखिए फाइनली ये भी अपडेट हो गया। सो इस तरीके से फ़ोन अपडेट होता है। सो सबसे पहले सवाल नंबर एक का जवाब, आप किसी भी फ़ोन को इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। दूसरा जवाब, इस अपडेट के बाद सैमसंग गैलेक्सी M14 वाले फ़ोन में कोई भी बदलाव नहीं आया है, आपको देखने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई बदलाव आया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर बदली जा चुकी हैं। जैसा कि सबसे पहले इस फ़ोन के सिक्योरिटी अपडेट बदले जा चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। इस फ़ोन में अगर कोई बग रहा होगा तो वो फिक्स हो चुका है। डिवाइस की ड्यूरेबिलिटी बढ़ चुकी है, डिवाइस का सिक्योरिटी फीचर इन्हेंस हो चुका है और ऐसे ही इंटरनल चेंजेस जो हुए हैं वो सारे हुए हैं, क्योंकि 250 MB की फाइल थी तो जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम थे वो सारे फिक्स हो चुके हैं। जैसे कि लैग होना, हैंग होना ज़्यादा, हीट होना ज़्यादा, ये सब प्रॉब्लम आपकी हो सकता है सॉल्व हो जाए इससे। बट आपको एक्सटर्नल यानी बाहर से कुछ नहीं दिखेगा कि बदला हुआ है, ना कोई ऐप ना कोई सेटिंग, सब वैसे की वैसे ही मिलेंगे। सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखिए कोई अगला वीडियो।